हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी नेटिक मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास ट्वेल्थ के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं जैसा कि हमने हमारे पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें समझ लिया है अच्छे से कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है किस तरह से दो पार्टनर्स या उससे ज्यादा पार्टनर्स मिलकर किसी भी फर्म को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से आगे उसे रन करते हैं आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये समझेंगे कि जब दो या तीन पार्टनर्स ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे हैं और उसमें किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है किस तरह के उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं क्या क्या नए पार्टनर्स को राइट मिलते हैं पुराने पार्टनर्स को किस तरह से अपने प्रॉफिट शेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे क्योंकि आज ये इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें हम बेसिक क्या होता है एडमिशन ऑफ़ पार्टनर उसको समझने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं लेकिन आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं समझते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर हैं ठीक है ये दोनों पार्टनर ने अपनी एक मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी और अच्छे से आराम से काम कर रहे हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है थ्री इज टू टू मतलब जो ए है उसे थ्री भाग मिलता है और जो बी है उसे दो भाग मिलता है और इस तरह से वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट आपस में बिटवीन कर लेते हैं ठीक है अब किसी वजह से एक नए पार्टनर को एडमिट करने का वो सोचते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी कारण हो सकता है या तो हो सकता है इन्हें कैपिटल की नीड है या तो हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस्ड की नीड इनको है वो इनके पास नहीं है वो किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर वो पूरी करना चाहते हैं तो इस तरह से कोई भी कारण हो सकता है और वो तीसरे व्यक्ति को इस पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री दिलवाना चाहते हैं तो ये जो तीसरा पर्सन होता है सी ये क्या करेगा पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा तो देखिए कभी भी ये पार्टनरशिप फॉर्म में खाली हाथ तो आएगा नहीं ये कैपिटल लेकर आएगा कैपिटल लेकर आएगा ना साथ ही साथ ये प्रॉफिट में से अपना शेयर भी लेगा क्योंकि भैया वो भी एक पार्टनर बन जाएगा ना किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का तो जो ये थ्री टू टू में ए और बी पार्टनरशिप चल रही थी और आपस में ये अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अब वही प्रॉफिट उसे सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो भी कैपिटल ला रहा है तो ये सारी चीजें मिलके एक नई पार्टनरशिप डीड तैयार की जाएगी इन सारी चीजों को मिलाकर पुरानी पार्टनरशिप डीड है उसका एंड हो जाएगा फर्म का एंड नहीं होगा पार्टनरशिप डीड का एंड हो जाएगा और एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी कि भैया ए को कितना मिलेगा बी को कितना मिलेगा सी को कितना मिलेगा कौन कौन सी वो कैपिटल किस कितनी कैपिटल लेकर आएगा कितना ये दोनों पार्टनर्स अपना सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि भैया जब सी को ये शेयर देंगे तो थोड़ा थोड़ा तो इन दो को इसको देने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना तो ये सारी चीजों को मिलाकर एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी चलिए यहाँ तक ठीक है यहाँ पर ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होती है सेक्शन थर्टी वन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक ठीक है ना पार्टनरशिप डीड में यदि किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो सारे चेंजेस हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक ठीक है ना ये आप ध्यान रखिएगा कभी कभी एमसीक्यूज के रूप में आपसे पूछा जा सकता है आप कब नए पार्टनर को एंट्री दी जा सकती है पहली कंडीशन जब पार्टनरशिप डीट तैयार हुई थी पहले जब दोनों पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीट तैयार की थी और उस समय लिखा था कि नए पार्टनर को एंट्री दी जा सकती है तो उसे कोई भी मना नहीं कर सकता बी नहीं बोल सकता कि नहीं भैया मैं तो नहीं किसी नए पार्टनर को एंट्री करूंगा क्योंकि जब पार्टनरशिप डीट बनी थी तब उसने एग्री कर लिया था तो ये दोनों में से कोई मना नहीं कर सकता कि नए पार्टनर की एंट्री नहीं हो सकती क्यों क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप डीट में ऐसा लिखा है पहली कंडीशन ये बन जाती है दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है लेकिन ए और बी ये दोनों रेडी हैं कि नए पार्टनर की एंट्री कर दी जाए तो इन दोनों के रेडी होने की स्थिति में नए पार्टनर की एंट्री कर दी जाती है जब नया पार्टनर किसी भी फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री लेता है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर क्या होते हैं उनके राइट्स जो पहला राइट होता है वो होता है कि भैया जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म में वो जो नया पार्टनर है जिसका एडमिशन हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है ना मतलब वो उसको भी मिलेगा सी को यदि प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो में भी भाग मिलेगा यदि लॉस होता है तो वो भी लॉस को पूरा करने में मदद करेगा दूसरी कंडीशन ये होती है कि जितनी भी फर्म के पास एसेट्स थी ठीक है ना या जितनी भी एसेट्स हैं उनको वो यूज कर सकता है ये नहीं बोल सकते कि भैया तुम तो बाद में आए हो तुम तो इन एसेट्स को हाथ नहीं लगा सकते ऐसा नहीं होता वो उन एसेट्स को यूज़ कर सकता है क्लियर है यहाँ तक अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है क्या ध्यान रखने वाली है जो सी है वो कौन है नया पार्टनर है और जो ए और बी हैं वो हैं पुराने पार्टनर ए और बी बहुत टाइम से अपना बिजनेस चला रहे हैं उनकी बिजनेस में बहुत ज़्यादा गुडविल है लोगों उनके नाम से अप वो प्रोडक्ट को खरीदने आते हैं अब जब जो तो सी आ रहा है तो सी को एक तो वो अपना नाम भी दे रहे हैं अपनी गुडविल भी दे रहे हैं और दूसरा अपना शेयर भी दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना ए और बी को सी को देने के लिए तो ए और बी मिलके सी को क्या कर रहे हैं अपना सेक्रीफाइजिंग शेयर दे रहे हैं तो वो बदले में कुछ ना कुछ तो सी से एक्सपेक्ट करेंगे सी से मांगेंगे तो वो सी से कहते हैं कि भैया सी तुम हमको जो हमारी गुडविल है जिसे तुम यूज़ करोगे उस पर प्रीमियम दो तो वो सी से बोलेंगे कि भैया तुम हमारी गुडविल यूज कर रहे हो तो तुम अब हमें गुडविल पे प्रीमियम दो तो सी क्या करेगा उस चीज को एग्री करके इन दोनों को क्या देगा गुडविल ऑफ प्रीमियम क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये भैया गुडविल ऑफ प्रीमियम लेंगे तो इस तरह से एडमिशन ऑफ पार्टनर में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है अब क्या होता है जब किसी नए पार्टनर का हम एडमिशन करते हैं तो उस समय भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देखा था ना कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। उसी तरह जब नया पार्टनर एडमिट होता है किसी भी फॉर्म में तो उस समय भी हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं तो ये वो एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन एडजस्टमेंट को हम सेपरेट सेपरेट एक एक वीडियो में समझेंगे ताकि जब आप क्वेश्चन करें ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन न्यू शेयरो शेयर एंड सेक्रीफाइजिंग शेयर जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है ठीक है ना तो क्या होगा पुराना जो पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उनको चेंज करेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मालूम करेंगे साथ ही साथ वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को देने के लिए वो भी मालूम करेंगे तो पहला एडजस्टमेंट उसी चीज़ का है कि पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होकर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन रहा है उसे मालूम करेंगे कितना सेक्रीफाइस किया है पुराने पार्टनर्स ने उसे मालूम करेंगे नए पार्टनर्स मिलकर कितना उन सबको मिल रहा है उसे मालूम करेंगे तो पहला एडजस्टमेंट उसी चीज को बताता है दूसरा एडजस्टमेंट है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल अभी हमने देखा कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो पुराने पार्टनर्स को क्या देगा प्रीमियम देगा गुडविल का तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो भी हम यहां समझेंगे रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा था कि जब उस समय तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो भैया उससे पहले भी तो उन्होंने कुछ एसेट्स ली होगी नए पार्टनर के आने से पहले कुछ उनकी लाइबिलिटीज रही होंगी यदि एसेट्स ली होंगी तो उसमें भी कुछ बड़े बढ़ोतरी हुई होगी ज्यादा की कीमत हो गई होगी या है, लाइबिलिटीज हैं उसमें भी कुछ चेंज हुआ होगा तो वो एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय उसका एडजस्टमेंट किया जाता है नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसिज हो रहे हैं जो पिछले कई सालों से एडवर्टाइजमेंट चला आ रहा है उसे नया पार्टनर क्यों चुकाएगा उसका पैसा जो पुराना है उसे पूरा वाइंड अप करना पड़ेगा पुराने पार्टनर्स को तो फिर जब नया पार्टनर आ रहा है तो फिर उसे नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसका भी एडजस्टमेंट होगा एडजस्टमेंट ऑफ़ रिजर्व एंड एक्यूमलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी रिजर्व हैं या जो प्रॉफिट एंड लॉस रह गए हैं उनको भी कहाँ पर एडजस्ट होना पड़ेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के आने से पहले नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ कैपिटल एडमिशन नहीं नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो एडजस्टमेंट है कैपिटल का जो पुराने पार्टनर्स की थी यदि उन्होंने कोई कैपिटल निकाल ली थी या कुछ एडिशनल कैपिटल डाली थी तो उसका एडजस्टमेंट दोनों जो पुराने पार्टनर हैं उन्हें एक नए पार्टनर के आने से पहले करना पड़ेगा तो ये इस तरह से छः एडजस्टमेंट रहेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हर एडजस्टमेंट को हम अच्छे से समझेंगे आई होप ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसका एडजस्टमेंट समझने के लिए मेरे साथ आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उससे जुड़े रहें थैंक यू